तो गाइस स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश एंड कमाल की वीडियो में। मैं हूं आपका फ्रेंड अर्जुन। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि यार आपका यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज होने वाला है। जी हां गाइस, अगर आपके यूट्यूब चैनल पर 4000 आवर्स का वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं हो रहा है तो यार आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी ट्रिक बताई है जिससे कि यार आपका वॉच टाइम बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला है और 4000 क्या यार, आप 8-10 हज़ार जितना चाहे उतना वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं। जी हां गाइस, एकदम रियल ट्रिक होगी और एकदम जेन्युइन ट्रिक होगी और बिल्कुल न्यू ट्रिक है। तो यार आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए बिना स्किप किए। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि गाइस इस चैनल पर आपको ऐसी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यार आपको प्ले स्टोर पर चले जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद गाइस आपको एक VPN की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप कोई सा भी VPN डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन गाइस मैंने डाउनलोड कर लिया है टर्बो VPN। तो गाइस आप टर्बो VPN प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो यार आपको ये एप्लीकेशन आसानी से मिल जाएगी। अब गाइस यहाँ पर आपको टैप टू कनेक्ट पर क्लिक कर देना है और अपने VPN को जो है कनेक्ट कर लेना है। सो गाइस VPN कनेक्ट होने के बाद आपको अपने YouTube के एप्लीकेशन में चले जाना है और अपने YouTube चैनल को ओपन कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर आपको सबसे लॉन्ग वीडियो को जो है सेलेक्ट कर लेना है, अपने YouTube चैनल की सबसे लॉन्ग वीडियो को आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना होगा। सो गाइस हम यहाँ पर अपने YouTube चैनल के सबसे लॉन्ग वीडियो को यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन सी लॉन्ग वीडियो है। तो ये है सबसे लॉन्ग वीडियो 11 मिनट 14 सेकेंड वाली। तो इस वीडियो का लिंक हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। वीडियो के लिंक कॉपी करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस एप्लीकेशन की गाइस इस एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, पहले आप ट्रिक समझ लीजिए। गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है 2 व्यू का और सेकंड वाला ऑप्शन मिल जाता है 3 व्यू का और थर्ड वाला ऑप्शन मिल जाता है 4 व्यू का और यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन है यहाँ पर 10 व्यू का और फिफ्थ वाला ऑप्शन अनलिमिटेड व्यू का। तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करने के लिए अपना नेटवर्क कैसा चल रहा है नहीं तो यहाँ पर आपको 2 व्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपने जो भी वीडियो का लिंक कॉपी किया है वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। लिंक आपको जैसे ही आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टार्ट का बटन मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पर आपको जो है 2 टैब दिखाई देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस। लेकिन यार मैं आपको बता दूँ कि यार इस ट्रिक का यूज़ करने से पहले यार यहाँ पर आपको जो है एक बात का ध्यान रखना होगा कि गाइस अगर आपका इंटरनेट जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है तो यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। गाइस अगर आपका इंटरनेट फास्ट चलता है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। गाइस इस एप्लीकेशन के एक और नेगेटिव बात है कि यहाँ पर जो है बार बार आपको ऐड देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर की ओर एक सैम्पल मिल जाता है, यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का इंटरफेस हमारे सामने आ गया है और यहाँ पर जो है 2 यूट्यूब के टैब हमारे सामने आ गए हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी वीडियो जो है यहाँ पर एक में प्ले भी हो चुकी है और दूसरे में प्ले नहीं हुई है क्योंकि गाइस मेरा नेट जो है बिल्कुल वीक चल रहा है। गाइस अगर आपके पास वाईफाई है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, तो यार मेरे पास तो फिलहाल वाईफाई नहीं है इसलिए गाइस मतलब उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो गाइस आप यहाँ पर पहले यार यहाँ पर देख सकते हैं 2 टैब पर क्लिक करके यानी कि 2 व्यू पर क्लिक करके, तो यहाँ पर 2 व्यू पर हमने क्लिक किया तो ये दोनों तो चल रहे हैं। अब गाइस हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद गाइस यहां पर हम ट्राई करते हैं 4 व्यू वाला ऑप्शन, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। गाइस यहां पर आप देख सकते हैं फिर से यहां पर हमारे सामने ऐड आ चुका है तो यहां पर ऊपर की ओर लेफ्ट में यहां पर आपको एक सैम्पल मिल जाता है तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है और कट का बटन मिल जाता है, यहां पर आपको कट कर देना है। ऐड को हमने कट कर दिया, यहां पर हम वीडियो के लिंक को पेस्ट कर देंगे। वीडियो के लिंक को पेस्ट करने के बाद गाइस यहां पर आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहां पर हम स्टार्ट पे क्लिक किए तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे सामने 4 टैब आ चुके हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा वेट कर लेना है। आपके इंटरनेट पे यार डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट चल रहा है। अगर आपका इंटरनेट फास्ट चलता है तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ही तेज़ी से ये वर्क करना शुरू कर देगा ये एप्लीकेशन। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और ऐड आ चुका है तो यहाँ पर इस ऐड को यार आपको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और इस पर कट कर देना है। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी 4 वीडियोज हैं आसानी से चल रही है। तो गाइस यहाँ पर हमारी 4 वीडियो आसानी से चल रही है। अब गाइस बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको 10 व्यू का ऑप्शन मिल जाता है 4th ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करके देख लेना है कि आपका इंटरनेट कितना सह सकता है। गाइस मैं चेक किया तो 4 वीडियो तो आसानी से चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं 10 वीडियो चलती है कि नहीं। सो गाइस हम यहाँ पर एंटर लिंक पर क्लिक करके अपने वीडियो का लिंक पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टार्ट पर क्लिक करके कि वीडियो प्ले हो रही है कि नहीं, तो यहाँ पर हमारे सामने 10 टैब आ गए हैं, यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका है लेकिन अभी तक वीडियो एक भी प्ले नहीं हुई है। यहाँ पर हमें समझ लेना होगा कि यार यहाँ पर हम जो है 4 व्यू का ही यूज़ कर सकते हैं अपने इस इंटरनेट के
दम पर। तो चलिए गाइस हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो गाइस हमारा जो इंटरनेट है वो नॉर्मल चल रहा है, तो यहाँ पर हम 4 व्यू पर क्लिक करके 4 वीडियोस जो है देख सकते हैं, यानी कि 11 मिनट की 4 वीडियो अगर हम लगाते हैं तो एक बार में हमें 44 मिनट का वॉच टाइम आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी बात है। और गाइस अगर आपका वाईफाई वगैरह है तो यहाँ पर आप 10 व्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अनलिमिटेड व्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अनलिमिटेड स्क्रीन लगा सकते हैं अगर आपका इंटरनेट बहुत फास्ट चलता है तो, और अगर आपका इंटरनेट मेरे से भी वीक चल रहा है तो यहाँ पर आप जो है 2 व्यू का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको जो है डबल वॉच टाइम मिल जाएगा। तो गाइज अब आप सबके मन में एक डाउट तो ज़रूर होगा कि यार VPN कनेक्ट करने के लिए क्यों बोला भाई ने। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप VPN नहीं कनेक्ट करते तो यहाँ पर आपका जो वॉच टाइम है वो शायद YouTube को पता चल जाए कि यार आप अपने मोबाइल से ही ये वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं। और गाइज इधर अगर आप अपने VPN का यूज़ करते हैं, VPN को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपका IP एड्रेस जो है YouTube को पता नहीं चल पाएगा और आपका वॉच टाइम जो है मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया में भी गिना जाएगा। सो गाइज अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट्स है वो सब कुछ क्लियर हो चुके होंगे। गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन है और कैसे इसे डाउनलोड करना है। गाइज इसे डाउनलोड करने के लिए आपको मेरा डिस्क्रिप्शन ओपन कर लेना होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाइए और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपना वॉच टाइम जो है दुगने स्पीड से या फिर चौगुने स्पीड से बढ़ा लीजिए। गाइज अगर आपके पास वाईफाई है या फिर आपका इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलता है तो यहाँ पर आप 10 गुना या फिर 20 गुना ज़्यादा वॉच टाइम भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ यार ये ट्रिक आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके 5 मिनट बेल आइकन से प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ यार आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख लें। और गाइज यहाँ पर आपको 2 वीडियोज दिख रहे होंगे, इन दोनों में से आप एक पर क्लिक करके आप इंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए।